जी बिल्कुल, देखिए कराची के हालात जो दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं, और इसमें कई चीज़ें ऐसी भी आई हैं कि जिसमें पुलिस अफसरान जो है वो किसी ना किसी ग्रोह के जो है वो सरगना निकले हैं। जैसे कि पिछले दिनों नासिर महमूद जो कि SCLC में तैनात हैं, वो कार लिफ्टिंग सेल के जो है वो सरगना निकले जो कार लिफ्ट करते हैं। अगर मैं मेरे अकब में आप देख सकते हैं तो ये हमारे जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है, सीनियर प्रोड्यूसर अथर मतीन के साथ उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है जिनको हिट किया मुलजमान के जाने से, जबकि पुलिस ने इब्तदाई तौर पर यह बताया है कि मुलजिमान जो है वो एक मोटरसाइकिल से स्नैचिंग कर रहे थे। उस दौरान जो हमारे जो बहादुर सीनियर अथर मतीन साहब थे उन्होंने जो है उसको बचाने की कोशिश की और मोटरसाइकिल पे जो मुलजमान थे उनको अपनी गाड़ी से हिट किया। जैसे ही उनको हिट किया तो मुलजमान ने उठकर उनको फ्रंट शीशे से जो है उनको फायर किया, जो कि उनके जाके अथर मतीन साहब के जो है उनके लगा और वो जहां भाग हो गए। यहां पर इस वक्त मैं सैफी एक निजी अस्पताल के बाहर मौजूद हूं, उनके लवाइकीन भी यहां पे आ चुके हैं, SSP सेंट्रल जो है वो यहां पे मौजूद हैं, तहकीकात जो है वो जारी हैं। उनका कहना है कि इब्तदाई तौर पर यही है कि उनके साथ स्नैचिंग जो मुलजमान एक मोटरसाइकिल के साथ जो स्नैचिंग कर रहे थे उनको बचाने की कोशिश में जो है इनकी जान जो है वो गई है। CCTV जो है वहाँ की वो निकलवाई है, उससे क्लियर होगा कि आखिर हुआ क्या था। जबकि एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जो अथर मतीन थे उनसे उनका जो मोबाइल है वो घर पर मौजूद है, उनके जो पैसे हैं वो उनके पास हमरा मौजूद हैं, उनसे कोई स्नैचिंग नहीं की है। पुलिस का एक ये भी शुबा है कि हो सकता है ये टारगेटेड कार्रवाई हो। जबकि आप देख सकते हैं कि जो अगर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा जो अगर गाड़ी का अगला हिस्सा है वो दिखाएं कि उसके जो बम्पर है वो टूटा हुआ है, जो इससे जो कि साफ है कि इन्होंने जो मुलजमान को टक्कर मारी अपनी गाड़ी से जिसकी वजह से गाड़ी का बम्पर टूटा, उसके बाद मुलजमान ने खड़े होकर उन पर फायर किए जो कि विंड स्क्रीन से गुजरते हुए अथर मतीन को लगे और वो मौके पे ही जाबाग हो गए। जबकि एनी शाहिदीन का कहना है कि मुलजमान ने जब फायर किया तो रोड क्रॉस करके एक से मोटरसाइकिल छीनी और मोटरसाइकिल छीनने के बाद वो वहाँ से फरार हो गए। जबकि अथर मतीन जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर असगर इशा स्टेडियम से KDA चौरंगी की जानब आ रहे थे, तब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। जी